बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी, कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, कोर्स कोड MTH 602, लेक्चर नंबर 43 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा रंगे क्यूटा मेथड इन द सेंस ऑफ हायर ऑर्डर, इसकी एप्लीकेशन से कनेक्टेड होने जा रहा है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रंगे क्यूटा मेथड के जो सेंस ऑफ हायर ऑर्डर थे, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर को अंडरस्टैंड किया, उनके फॉर्मूलाज को, तो जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं रंगे क्यूटा मेथड के अकॉर्डिंग, वो ओनली ऑन सेकंड ऑर्डर के एप्लीकेशंस और थर्ड ऑर्डर की एप्लीकेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे, जो आपके कोर्स आउटलाइन में शामिल है। तो रंगे क्यूटा मेथड की जो एप्लीकेशंस का जो प्रोसीजर होगा, आज के लेक्चर में हमने सेकंड ऑर्डर को डिटेल में अंडरस्टैंड करना है और इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होगी वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो आपने होमवर्क करना है वो आपको परफॉर्म करने के लिए लास्ट में लेक्चर में दिया हुआ है। और जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल में मतलब न्यू हैं, तो वो चैनल को अपडेटिंग नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आने वाली हर अपडेटिंग वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। तो क्वेश्चन इसमें हमने जो परफॉर्म करना है, इसमें जो डिटेल आपको डेटा प्रोवाइड है कुछ इस अंदाज में होगा रंगे क्यूटा मेथड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन इसका होगा गिवन डैट वाई डैश, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, वाई डैश इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और जो इस पे बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, और जो आपने फाइंड करना है y ऑफ 0.1 क्वेश्चन मार्क, यानी कि 0.1 पे फंक्शन वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और y ऑफ 0.2 क्वेश्चन मार्क, इट्स मीन आपने 0.2 पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x की वैल्यू 0.1 है और यहाँ पर x की वैल्यू 0.2, और जो ये मैं x की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ नोन एज पॉइंट, यानी कि जिस पे आप कोई डिस्कस कर रहे हो। और किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाय यूजिंग रंगे क्यूटा मेथड, और इस मेथड को आप शॉर्ट वर्डिंग में आरके मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और ये कैसा ऑर्डर यूज़ करना है रंगे क्यूटा मेथड का, यानी कि ऑर्डर की सेंस कौन सी यूज़ करेंगे, ऑफ सेकंड ऑर्डर। और इसके लिए आपको ना एच की वैल्यू गिवन है, एच इज़ इक्वल टू 0.1, वेयर 0.1 जो आपको दिया है ये है स्टेप साइज, जो कि इक्वी स्पेस डाटा के लिए होल्ड कर रहा है। एंड नेक्स्ट है सॉल्यूशन जो हमने परफॉर्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको गिवन डाटा है, वाई डैश इक्वल होगा, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है फंक्शन वैल्यू एक्स कॉमा वाई, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास गिवन डाटा की परफॉर्मेंस, आपको वाई डैश दिया है, आप इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और ये आपके पास फंक्शन वैल्यू होती है जो कि आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की कंडीशन में बताया गया है, ठीक है, यानी जो आपको प्रीवियस जो चैप्टर अंडरस्टैंड कराया था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, उसमें आपने हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को कैपिटल फंक्शन यानी एफ फॉर्म में राइट किया था, जो कि एक्स कोमा वाई की फॉर्म में राइट होता है, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, यानी ये आपको डाटा गिवन था। अब आपने इस पे जो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है वो आपने होल्ड करवाई, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो एक्स नॉट है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है, और जो इस पे इमेज आपके पास वाई नॉट आ रहा है, दिस इज नोन एज 1, और जो आपके पास स्टेप साइज है एच इज इक्वल टू 0.1, जो कि इक्वी स्पेस्ड के लिए होल्ड कर रहा है। अब ऑनवर्ड आपने रियल लाइन को शो करना होता है, ये आपने ऐसे रियल लाइन को शो किया, और इस पे आपने स्टार्टिंग पॉइंट देखें कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से, एक्स नॉट की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद आपने जो फाइंड करना है वाई ऑफ 0.1 फाइंड करना होगा, देखें एक्स नॉट के बाद अगला पॉइंट एक्स वन होगा जो कि 0.1 है, और फिर एक्स टू पॉइंट नेक्स्ट ऑनवर्ड पॉइंट होगा जो कि 0.2 है। इट्स मीन कि आपने एक्स नॉट 0 से स्टार्ट किया, फिर वो 0.1 पे आया, फिर वो 0.2 पे आया, ठीक है, यही आपने डिस्कस करना होगा, यही मैंने राइट किया है, ये रियल लाइन है, और स्टार्टिंग आपने इनिशियल पॉइंट जो है एक्स नॉट वो है 0, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्स वन जो कि 0.1 है, फिर इस नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 0.2, ठीक है, ये ऐसे आपने रियल लाइन शो कर दी। फिर आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर है ये डेरिवेटिव की फॉर्म है, यानी कैपिटल एफ इंटू एक्स कोमा वाई, एक्स इज इक्वल है एक्स के माइनस वाई, इसको अगर हम एक्स को एक्स नॉट में रिप्लेस करें और वाई को वाई नॉट में रिप्लेस करें, तो हमारे पास इस तरह का ये फंक्शन क्रिएटेड हो जाएगा, यानी कैपिटल एफ इंटू एक्स एक्स नॉट कोमा वाई नॉट इक्वल होगा एक्स नॉट का स्क्वेयर माइनस वाई नॉट।
अब आपने इसमें वैल्यूज़ को अप्लाई करवाना है। एक्स नॉट की वैल्यू जो है ये आप दे सकते हैं, यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, ये आपने ज़ीरो राइट कर दिया, ज़ीरो का स्क्वायर। और वाई नॉट की वैल्यू आपके पास दे सकते हैं, वाई नॉट की वैल्यू वन है, ये हमने यहाँ पर राइट कर दी। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास फाइनली आ जाएगा माइनस वन। ऑनवर्ड हमने अपने ऑर्डर को यूज़ करवाना है बाई यूजिंग आर के मैथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज़, यानी आपने रंगे क्यूटा मेथड का जो सेकेंड ऑर्डर का जो रिलेशन है उसको आपने फॉलो करते हुए अप्रॉक्सीमेशन को परफॉर्म करना है। अभी हम ऑनवर्ड कंटिन्यू करने जा रहे हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। इसके लिए आपके पास जो मेथड्स हैं, यानी आपने के वन के टू को कैलकुलेट करना है और उसके बाद आप के में वो पुटिंग करना शुरू कर देंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको इसका फॉर्मूला अंडरस्टैंड करवाया है, और जिस स्टूडेंट को ये एप्लीकेशन परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम है वो लेक्चर नंबर 42 में रंगे क्यूटा मेथड के जो सेंस ऑफ ऑर्डर्स हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, उनको अंडरस्टैंड कर लें एंड देन ये एप्लीकेशन परफॉर्म कर लें तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं। के वन इक्वल होगा, ये आपका फॉर्मूला है, के वन इक्वल होगा एच इंटू एफ इंटू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। एच इसमें आपको गिवन है 0.1, कैपिटल एफ इंटू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट की वैल्यू आपने सोल्व की हुई है, ये आप दे सकते हैं। कैपिटल एफ इंटू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट की वैल्यू आपके पास है माइनस वन, ये हमने यहाँ पे राइट कर दी। अब माइनस वन को आपने 0.1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा माइनस 0.1। फिर आपने इसका सेकंड स्टेप कैलकुलेट करना है, के टू इक्वल होगा एच इंटू एफ इंटू एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस के वन, ये फॉर्मूला आपके पास यानी कि सेकंड ऑर्डर के लिहाज से के टू की वैल्यू का रिलेशन होगा। तो इसमें आपने यहाँ पुटिंग करनी है, एच की वैल्यू 0.1 है और कैपिटल एफ इंटू एक्स नॉट की वैल्यू 0, एच की वैल्यू 0.1, वाई नॉट की वैल्यू 1, के वन की वैल्यू माइनस 0.1, ठीक है। के वन आपके पास प्रीवियस स्टेप है जो आपने कैलकुलेट किया माइनस 0.1, वो आपने पुट कर दिया। फिर आपने इसको कैलकुलेट किया, ये बना 0.1 इंटू एफ इंटू एक्स एफ इंटू 0.1, यानी कि आपने इसको ऐड किया कॉमा 1 में से माइनस 0.1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 0.9 आ गया। फिर आपने इस फंक्शन वैल्यू को सोल्व करना है तो आपके पास ये फंक्शन वैल्यू आपने यहाँ पर पुटिंग करके सोल्व करना होगा यहाँ पर, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पर रिप्लेस करके सोल्व करेंगे तो आपके पास यानी कि एक्स की जगह आपने 0.1 रखना है और y की जगह आपने 0.9 रखना है तो आपके पास फंक्शन वैल्यू का जो आंसर होगा वो माइनस 0.8900 आ जाएगा, यानी पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने करेक्ट आंसर राइट करना होगा। आप सभी स्टूडेंट अपने कैलकुलेटर को यानी FX991ES+ जो कैलकुलेटर मैंने आप सभी स्टूडेंट को असाइन किया हुआ है उस कैलकुलेटर की मदद से आपने अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है और पॉइंट के बाद जब आप 4 डेसिमल प्लेस तक फिक्स करें तो आपका आंसर ऐसा आ जाएगा। और जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 0.1 के साथ तो ये आपके पास फाइनल रिलेशन बन जाना है -0.0890। फिर ऑनवर्ड आपने के फाइंड करना है, यानी कि के में आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है K1 और जो सेकंड स्टेप है K2, उन दोनों को ऐड करना है और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो K1 की वैल्यू -0.1 और K2 की वैल्यू -0.0890। फिर आपने इसको कैलकुलेट किया ब्रैकेट वाले पार्ट को और 2 पे डिवाइड किया तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा -0.0945। उसके बाद आपने y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y1 इक्वल होगा y नॉट प्लस जो ये आपने ये कैलकुलेट किया होगा रंगे क्यूटा का सेकंड ऑर्डर जो आपने कैलकुलेट किया के वो आपने y नॉट के साथ ऐड कर देना है, यानी y नॉट प्लस के। अब y नॉट की वैल्यू आपके पास है +1 और k की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है -0.0945, दे सकते हैं। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाता है 0.9055। अब आप सीन कह सकते हैं कि जो y1 है ये आपके पास एक्चुअली y ऑफ 0.1 होता है, इट्स मीन y ऑफ x1, यहाँ पर x1 की वैल्यू 0.1 है और यही हमने कैलकुलेट करना था। y ऑफ 0.1 का हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसके इक्वल होगा, तो ये आपके पास 0.9055 के इक्वल होगा। फिर ऑनवर्ड हमें y ऑफ 0.2 कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाना होगा। तो जब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करेंगे तो अगेन हमने रंगे क्यूटा मेथड का जो सेकेंड ऑर्डर है उसको ही फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे ऑनवर्ड, यानी K1 इक्वल होगा H इंटू एफ इंटू x1, y1। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हमने n की वैल्यू 1 रखनी होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन थी उसमें आपने n की वैल्यू 0 रखनी होती है, तो K1 इक्वल होगा H इंटू एफ इंटू x1, y1 और इक्वल हो गया एच की वैल्यू 0.1 है और x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू आपने फंक्शन में रिलेट करनी, तो ये बन जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस y1, ठीक है।
उसके बाद एक्स वन की वैल्यू 0.1 और वाई वन की वैल्यू ये आ जाएगी 0.9055। उसके बाद आपने इस कम्प्लीट रिलेशन को कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर की मदद से, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा -0.0896। उसके बाद आपने के टू की वैल्यू फाइंड करनी है और ये फॉर्मूला होगा एच इंटू एफ इंटू एक्स वन प्लस एच कॉमा वाई वन प्लस के वन। अब आपने यहाँ पर पुटिंग करनी है एच की वैल्यू 0.1, एक्स वन की वैल्यू 0.1 और एच की वैल्यू ये भी 0.1 है, वाई वन की वैल्यू 0.9055 और के वन की वैल्यू जो आपका प्रीवियस टाइप है -0.0896 ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये के वन की वैल्यू है, इसको आपने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट किया ये ब्रैकेट वाले पार्ट को, तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। उसके बाद आपने इसको फंक्शन में रिलेट करना है तो आपके पास फाइनली ये आंसर आएगा। फिर आपने 0.1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा। फिर ऑनवर्ड आपने के को रंगे की उटा का जो सेकंड ऑर्डर है वो आपने कैलकुलेट करना है और ये इक्वल होगा के इक्वल 1/2 इंटू के वन प्लस के टू, यानी के वन फर्स्ट स्टेप के टू सेकंड स्टेप, इन दोनों को ऐड करना है और टू पर डिवाइड कर देंगे। तो के वन की वैल्यू आपके पास ये है, के टू की वैल्यू आपके पास ये वाली है, इन दोनों को आपने कैलकुलेटर से ऐड करना है फिर टू पर डिवाइड करना है तो आपका फाइनली आंसर -0.0836 आ जाएगा। उसके बाद आपने वाई टू पर जाना है, मूव करेंगे तो वाई टू इक्वल होगा वाई वन प्लस के, y1 की वैल्यू 0.9055 है और k की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है -0.0836, ये आपने यहाँ पे राइट कर दी। फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8219। और y2 आप जानते हैं सभी स्टूडेंट्स, y2 को हम लिखते हैं y ऑफ 0.2, इट्स मीन y ऑफ x2 की वैल्यू होगी, x2 यहाँ पर 0.2 है। तो फाइनली हमें यही फाइंड करना था कि वाई ओ 0.2 क्या होगा, तो ये आपके पास फाइनली इसका आंसर आ चुका है, यानी 0.8219, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एज अ रंगे क्यूटा मेथड इन द सेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये मैंने एक एप्लीकेशन आप सभी स्टूडेंट को परफॉर्म करने के लिए राइट की हुई है होमवर्क के लिए, ताकि आप सभी स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट है रंगे क्यूटा मेथड जो सेकेंड ऑर्डर के हवाले से है वो आप ईजिली परफॉर्म कर सकें। तो आप सभी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन परफॉर्म करना है ताकि आपको रंगे क्यूटा मेथड का ये जो क्वेश्चन हमने परफॉर्म एप्लीकेशन की है आपको अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड हो सके, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ये जो क्वेश्चन हमने आज के लेक्चर में किया है सेकंड ऑर्डर के हवाले से। तो एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन मैंने दिया है वीडा मर्ती की बुक से, क्वेश्चन है गिवन डैट वाई डैश इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के हवाले से आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी है डी वाई बाई डी एक्स, और इसको आप कैपिटल एफ इंटू एक्स कोमा वाई भी राइट करते हैं, और जो बाउंड्री वैल्यू आपको कंडीशन दी हुई है वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन है, और जो आपने फाइंड करना है वाई ऑफ 0.1 और वाई ऑफ 0.2 को आपने कैलकुलेट करना होगा, दीज आर द क्वेश्चन मार्क। ये आपको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन परफॉर्म करनी है और ये आपको सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन को परफॉर्म करना होगा। और कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, बाई यूजिंग रंगे क्यूटा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद एच इज इक्वल टू 0.1, ये आपका होमवर्क है, डू योर सेल्फ आपको मैंने क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए राइट किया हुआ है, ठीक है। तो होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा, अगर फिर भी किसी इस टाइम में कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन कर सकते हैं इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें और आपके जो क्वेश्चंस होंगे आपको इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी, और नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स आपको अवेल करवाए जाएंगे तो अपकमिंग आपको अपडेट किया जाएगा जितने भी आपके क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगी और आपकी जो कन्फ्यूजन होगी इंशाल्लाह उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।